आज प्रोग्राम के आने की और उसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भक्तों के जाने की जो चर्चा है वो प्रतिदिन कोने कोने में हो रही है, विश्व के कोने कोने में ये चर्चा है। जाने की सबकी इच्छा है और सब जाने की अपनी आस्था भक्ति को देखते हुए जिसके अंदर प्रबल भक्ति है वो कैसे रोक पाएगा, प्रभु के दर्शन के बिना कैसे रह पाएगा। ऐसे में हम सब चलें अवध की ओर जहां हमारे रामलला विराजमान हैं, जहां उस झोपड़ी से हमारे रामलला अपने राजमहल में विराजमान होंगे। उन्हें देखने की जो हमारी आंखें हैं वो तरस चुकी है, कब हम अपने रामलला को उस महल में देखेंगे, हमारे रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद हम कब उनकी तरस पाएंगे, इसकी एक ललक एक ललसा हमारे मन में बनी हुई है, आपके मन में, हमारे मन में, पूरी दुनिया के लोगों के मन में बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं अवध की ओर। अरे चलो चले अवध नगरिया जहां श्री राम विराजे हैं, चलो चले अवध नगरिया जहां श्री राम विराजे हैं। राम विराजे, प्रभु राम विराजे, जी के संग चारू भैया अवध में राम विराजे हैं। ओ प्रभु, सिया जी के संग चारू भैया अवध में राम पधारे हैं। अवध में राम विराजे हैं। ओ मेरे राम, अवध में बाजे बधैया, प्रभु श्री राम विराजे हैं। हाँ, रघुबर ने है भक्तों को बुलाया, मेरे राघव ने भक्तों को बुलाया, मेरे राघव ने भक्तों को भक्तों को बुलाया। नेह निमंत्रण प्रभु का है आया, अरे राम लला ने बुलाया है। पूरी दुनिया बेचैन है कब अयोध्या पहुंच जाए, सबकी तैयारी हो चुकी है,
मेरे राघव ने भक्तों को बुलाया, नेह निमंत्रण प्रभु का है आया। और अरे सुर नर मुनि हर सैया, अवध में राम विराजे हैं। हाँ सुर नर मुनि हर सैया, अवध में राम विराजे हैं। मेरे राम अवध में बाज बधैया, प्रभु श्री राम विराजे हैं। चलो चले अवध नगरिया, अवध में राम विराजे हैं। चलो चले अवध नगरिया, मेरे श्री राम, मेरे श्री राम, मेरे श्री राम विराजे हैं। जय श्री राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।